क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं ब्लैक मिथ वुकोंग का एपिसोड नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो यार ये गेम खेलने के लिए। क्या गजबा गेम बनाया है डेवलपर्स ने। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सन वुकोंग बहुत ही ताकतवर था, उसके पास अमरता का वरदान था, बट फिर भी एक आयरलैंड नाम का स्वर्ग से देवता आता है और उसकी ऐसी तैसी कर देता है, सन वुकोंग को ऑलमोस्ट मार ही देता है, बट बच जाता है। उसके 6 टुकड़े हो जाते हैं, वो जंगल में फैल जाता है। सदियाँ बीत जाती है लेकिन आज तक उसको कोई ढूंढ नहीं पाया। तो हमारे इस गेम का तो मिशन है कि उसको ढूंढना। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने लगभग 3-4 बॉसेस मार दिए हैं। अब तो हमारे पास इतनी पावर आ गई कि हम बॉसेस को, जो हमने जिन बॉसेस को अभी तक हराया है उनकी पावर भी हम लोग कुछ सेकंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दो रास्ते दोबारा से आ गए हैं गाइस। समझ नहीं आ रहा कि किस साइड जाए, नीचे की साइड या राइट की साइड। चलो पहले नीचे जा देख लेता हूँ मैं। लास्ट टाइम गाइस जो हमने सबसे खतरनाक सपेरा वाला बॉस मारा था ना, वहाँ पे हमको पता चला था कि वो कोई ऐसा वैसा बॉस नहीं था। वो बॉस एक टाइम में इस जंगल में, याद है गाइस, वो छोटा सा बॉना हमारे पास आ रहा था और बता रहा था कि यहाँ पे एक टेंपल हुआ करता था जिसमें सब लोग पूजा पाठ भी करते थे और बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन लो भाई, नई स्टोरी शुरू हो गई। जंगल जंगल पता चला है, चमक हो गई बंदर की, अतीत भविष्य को समझ पाना मानो एक बूंद समंदर के। लो भाई, नया बॉस आ गया शायद। अरे भाई, इनविजिबल वाला है क्या? देर नहीं होगी तुम्हें नौजवान, लगता है तुम मेरी प्यारी सी जगह को कलंकित करने आए हो। तो देखते हैं तुम्हारी मौत का हर्ष कैसा होता है। भाई साहब, आजा। क्या खतरनाक दिख रहा है ये सिलेंड जैसा, ये पूरा पर फिर भी कितना। चलो गाइस, इसको हराते हैं अभी। जल की शक्ति, क्या तुम इसको महसूस करना चाहते हो? भाई बात ही करेगा या मारेगा भी? भाई ये तो खतरनाक है। चलो इसको दिखाते हैं जलवा। ओए भाई साहब, इसने मेरी वन एचपी कर दी। कौन है ये हैकर है क्या? बच, वो कौन मेरे भाई? ये तो ऐसी तैसी कर दी इसने। रुको गाइस, मैं तो बिल्कुल इसको हल्के में ले रहा था बट ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। नहीं भाई, क्या पावर है इसकी यार, डॉज भी नहीं कर पा रहे मेरे वुकोंग। बस बहुत हुआ, ले ले मार दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं समझ गया हूँ कि उस विलन को कैसे हराना है। उसके पास हर बॉस में ना एक खासियत है कि सबका फाइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग है। तो इस वाले का फाइटिंग स्टाइल है, शायद मैं अभी समझ गया हूँ। पानी का देवता आ गया हूँ मैं, आ जा। आए यार, बच गए, सारे अटैक से बच गए इसके, बच गए। ये ना, ये भी डॉच करता है भाई, ये इसकी सबसे बेकार चीज है। चल भाई पॉज हो जा, थोड़ा बहुत डैमेज हमको भी मारने दे यार, तू तो ऐसी सुपर पावरफुल है। ये देखो बच जाता है ना, ये इसकी दिक्कत है। ये बच गए, बच गए, गुस्से में आ गया भाई। पता नहीं कितने सारे अटैक आते हैं भाई इसको। चलो अभी गाइस, इसने हमारी बहुत कम एचपी खाई है, ये बात बहुत अच्छी है। वक्त आ गया है पावर चेंज करने का। अबे यार, ये क्या खतरनाक डैमेज, ये देखो उसका डैमेज ऐसी तैसी कर दी भाई इसने। बस हमारे वुल्फ की तो ऐसी तैसी कर दे रहा है भाई, ये बेइज्जती करके मार रहा है। वो देखो कहाँ गायब हो गया वो। बच, लो भाई सेकंडों में हरा दिया उसने हमारे भीड़िया वाले को, आग वाले भीड़िया को। पानी में आग कहाँ से जीत सकता है यार। चलो मैं पका, इस फ्रीजिंग स्पेल चार्ज हो रहा है। बच गया, बच
बच बच बच बच गया, बच। ये कितने सारे अटैक करता है भाई, फ्री से मारो इसको। ये देखो कितनी जल्दी इसने रिफ्लेक्स घुमा के मारा मुझे। वो तो सॉरी फ्रीजिंग स्पेल था मेरे पास। बच वो कौन, बच 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 गया, सारे अटैक से बच गया। बच बस थोड़ी सी, ये लो खत्म। एक्वामैन वाली, तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है। अच्छा, अब तुम मुझे जानोगे कि मैं आखिर चीज क्या हूं। चलो एक बात अच्छी गाइस, अभी मैं इसके वाले का तो अटैक सीख गया हूं, पर पता नहीं ये वाला कैसे अटैक करेगा। ये देखो उसकी स्पीड, क्या मार रहा है भाई। कुछ तो तरीका होगा उसको मारने का। नहीं, बच गया। फ्रीज करो, क्या पानी में उसको मार रहा है मगर हिचू की तरह। खत्म खत्म, बच गया बच गया, बच 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 गया भाई इसकी शॉक वेव से। बच, अब वो कौन डैमेज दिखाना है मेरे भाई। ये किसी तरीका है उसको हराने का। ले पावर भी यूज नहीं करनी थी उसने, बच गए यार। गाइस एक मिनट भी रुकता नहीं है, मारू कैसे इसको, मतलब मौका ही नहीं दे रहा ये मारने का। अब पढ़ा ना, हमारे पास भी भाई भेड़िए की पावर है समझा। अब खा तू हमारी भेड़िए की आग की शक्ति। बहुत पानी में रहना पसंद है ना तुझे। अब मार, अब मार, अब मार। अब मैं समझ गया इसको कैसे हराना है। अब मार, ओए सच में मार देगा क्या। ओए भाई क्या खतरनाक चीज है ये, मार हुकोंग मार। ओए एक ही तो अटैक करना था, कर दिया आधी एचपी इसने। आ गया अचानक से, नहीं लास्ट टैप पे नहीं हार सकते, नहीं नहीं। बच बच गए, बुको मार दे प्लीज, बच बच गए बुको प्लीज, हमारे पास एचपी नहीं है। बच गए, मार बुको प्लीज, वन एचपी क्लच, मार 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 दिया इसको, वन एचपी मैन। रुक जाओ रुक जाओ, मैं तो बस आंखें और कान हूं अपने भाई का, मैं केवल अपनी वफादारी निभा रहा हूं इस रास्ते की रक्षा करके उस भालू को कहने पर। तुम्हारा भाग्य कठोर और अंधकार से भरा, कैसे समझोगे तुम उसकी नियति को। ग्वाइन मंदिर राग तो हो गया मगर आज भी एल्ड्रेन जोर की आत्मा वहीं भटक रही है, कई तकलीफें सहते हुए लालसा के पेड़ पर लटक रही है। खत्म, बेहतर होगा कि तुम भूल जाओ जिसके तलाश में तुम यहाँ आए हो। अब जाके इसको विश्वास हो भाई हमारे ऊपर। घंटिया, क्या तुम उन्हें देख चुके हो। तीन घंटिया, क्या तुम भी अपना वही हाल करना चाहते हो जो तुमसे पहले कईयों का यहाँ पर हुआ। कौन सी घंटी की बात कर रहा है ये? Three bells were set in the mountains since the Black Wind Guy's return, yet no one is allowed to go near. Maybe the bells have something to do with the temple's burning. ये भाई साहब बता रहे हैं कि उन तीन घंटियों का कुछ तो लिंक है उस जलते हुए गोंजीन टेंपल से। I'm keep a lookout. भाई, गाइस ये गेम ने ना बिल्कुल नया टर्न ले लिया है। मेरी एचपी बहुत कम है यार। सबसे मेन बात तो अभी नए लोग आएंगे आगे से। ये खाई है क्या? हाँ बहुत गहरा गड्ढा है भाई यहाँ पे।
वैसे वहाँ पे एक और रास्ता था लेफ्ट में जाने का, बट मैं वहाँ गया नहीं गाइस, पता नहीं वहाँ पे क्या था। अभी हम गेम में चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ घंटी के बारे में वो बता रहा था और वो घंटी एक नया ट्विस्ट लेने वाली गेम के अंदर। अभी हमको आगे जाके पता चल गया गाइस कि क्या है वो घंटी का राज। सामने देखो कोई तो खड़ा है। ओए, ये वही आ गया क्या, भेड़िए का राजा? ये कौन है? नए वाले गुंडे आ गए दोस्तों। अबे तुम्हारे मालिक को हरा के आ रहा हूं मैं भी, अंधेरे में कहां खेल रहे। भाई ये भी बहुत पावरफुल है यार, मर जा भाई। कहां है भाई, कहां गया? हाँ ये, आ जा आ जा आ जा भाई। अब तो एक एक गुंडा इतना पावरफुल हो गया है, पूरी एचपी खा दी देखो उसने। दोबारा से गाइस दो दो रास्ते आ गए, एक सामने की तरफ एक राइट की तरफ, बट मैं सामने की तरफ जाना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पर उजाला है। कुछ है यहाँ पे? नहीं है। ओ चलो गाइस, यहाँ पे हम थोड़े से भी तपस्या करेंगे क्योंकि तपस्या करने से हमारी वूकों की पावर बढ़ती है। चलो यहाँ पे कुछ रखा है, पहले इसको देख लेते हैं गाइस क्या मिलेगा इसके अंदर हमें। ओ ये क्या है, सेलेस्टियल टैया पिल। ओके अब हम गाइस थोड़ा योगा कर लेते हैं ताकि हमारे वूकोंग बेचारा थोड़ी पावर बढ़ा पाए। बहुत ही धुलाई करी यार वो बंदे ने, अब तक का सबसे पावरफुल बॉस था वो एक्वामैन भाई साहब। और गाइस अभी तक हमने जितने भी खतरनाक बॉसेस का सामना करा ना, वो पहले राक्षस नहीं थे, बाद में पता नहीं कुछ तो हुआ है इस पहाड़ में। हमको अभी वो भी फाइंड आउट करना है कि क्यों सारे पंडित लोग, सारे मॉन्क लोग राक्षस बन गए, कैसे, तो वो भी हम गेम के अंदर ही पता चलेगा। पहले हमारा वूकोंग को भाई योगा करवा लेते हैं। ये लो हो गया योगा कंप्लीट, पहाड़ी के सामने कुछ मिला इसको? ओ स्पार्क मिला बस एक। स्पार्क से दोस्तों इसकी पावर ऐड होती है, इसका हम डैमेज बढ़ा सकते हैं, स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, बट अभी फिलहाल दो स्पार्क से कुछ भी नहीं होने वाला। ओए ये कौन आ गया अब? अब लगातार खतरनाक प्लेयर आएंगे क्या ये अंधेरे में खेलने वाले प्लेयर? बहुत हो गया तुम्हारा, अभी दिखा दो भाई इनके पास बहुत लाइफ है। ये देखो ये क्या घूम घूम के मार रहा है, वो भेड़िए बेचारे एक एक उसमें मर जाते थे। बैक फ्लिप मार रहे भाई इनके गुंडे, ये मरा देखो इतनी मुश्किलों के बाद। भाई अब तो एनिमी भी इतने खतरनाक आ रहे हैं। गुफा की तरफ गाइस अंदर चलते हैं। ये क्या है? अरे अपना आप ये लो, एक और गुंडा आ गया, आ जा ब्रो। ये ले बैकफ्लिप लेने से कोई गुंडा नहीं बन जाता, समझा? अभी मैं गाइस इनको समझ गया हूँ कैसे मानना है। यहाँ की तरफ क्या है ये? ओ ये तो कोई पेड़ की जड़ लग रही है, बहुत बड़ी पेड़ की। ओ ये कौन है? देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है भगवान का। भाई नीचे पूरी खाई है, तो नीचे के साइड तो अभी हम नहीं जा सकते, अंदर का इस गुफा में चलते हैं। ये क्या चीज़ है? अब ठीक है भाई, चलो पहले लोटस इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। मुझे सच बताऊँ तो बहुत याद आ रही है उनकी, हमारे जो वुल्फ थे ना गाइस वो बहुत अच्छे थे यार। देखो अभी ना गाइस इनको हम वुल्फों के बादशाह से ही मारेंगे, आ जाओ भाई। ये तो बहुत पावरफुल है, पहले इसको मारते हैं भाई। कितनी एचपी है तुम लोगों के पास? कैसे कैसे गुंडे आने लग गए हैं। बच गया सुपर अटैक से। ये लोग छोटे छोटे सिपाही भी ना गाइस किसी बॉस से कम नहीं है। ये देखो इस वाले बॉस से दोस्तों मैंने पहले मुकाबला नहीं करा था, बट बाद में मैंने इसको हरा के ये पावर
क्लेम कर ली थी, अब जब चाहे हम इसकी पावर ले सकते हैं। बट उससे पहले ना हमें वुकोंग बनना पड़ेगा अपना चेक पॉइंट सेव करने के लिए। ये लो, बाल तोड़ के जला दी यहाँ पे फुलझड़ी अगरबत्ती। चलिए दोस्तों, अभी हमने अपनी वुकोंग की थोड़ी पावर भी अपग्रेड कर दी है, सारी एचपी वगैरह हो गई है फुल। ये कोई बहुत बड़ा सा दरवाज़ा लग रहा है लकड़ी का, लगता है गाइस कोई नया बॉस आने वाला है। अब ये कौन है? ये तो कोई इंसान है। पूरे 500 साल लगे मैंने ये मंदिर दोबारा बनाया, और अब इसका दायरा और भी बढ़ रहा है। वो सारे ऋषि जो आग में जलकर भूत बन गए थे, इस पहाड़ में भटक रहे थे तर बतर। वो मैं था जिसने उनको शाश्वत शांति दी। मैंने सारे जले हुए धर्म ग्रंथों के एक एक टुकड़े को पुनर्स्थापित किया। पर हाँ, मुझे ये तो हमेशा से पता था कि तुम एक दिन यहाँ जरूर लौटोगे। ओए, अभी तो मैं बॉस का सामना करके आया था, ये हल्के कहाँ से आ गया? भाई ये कौन है अब? खाया ना अटैक। ओए, ये तो बैग भी होता है। ये मॉन्क है या भूत है? ये कुछ तो खतरनाक करने वाला है। भाई मिला दी इसने, खत्म खत्म। भाई ये कौन है इतना खतरनाक बॉस? फिर से गायब हो गया, आसमान में चले गया। भाई ये नीचे कब आया? भाई इसमें ओ यार, ऐसी तैसी कर देता है भाई ये, ऐसी तैसी। हमने उसको अभी 20% डैमेज दे रखा है। ये देखो, पता नहीं क्या क्या निकाल के मार रहा है। बच गए, सारे अटैक से बच गए। अबे आग तो जला दिया उसने भाई उनको। ये लो भाई, मैंने उसको फ्रीज किया तो वो आत्मा बन गया। ये ले, आजा धरती फाड़ के आजा, बहुत शौक है तुझे। ले बच गया मैं। मार कौन, कैसे हराए उसको? कोई तो तरीका होगा इसको हराने का। ओए! मेरे सांप का सामना कर, समझा? गेंडे! ओए यार ये जला देते हैं। रुको, इसको आग से खेलने का बहुत शौक है ना। आप कर तू सामना। अबे मेरे को भी जला रहे हैं, मैं आ गई हूँ। अब गायब हो गया वो। कहाँ है भाई? छिप छिप के कहाँ खेल रहा है? कहाँ गया? बन जा आत्मा, नहीं रह सकते यार इसको, बहुत खतरनाक चीज है ये। आप पढ़ा ना इसको खोपड़े में? आ जा। नहीं
भाई ये तो ट्रैक्टर बन जा रहा है। ओए सीरियस हो गया ये बंदा। ओए मैं तो मजाक कर रहा था, तू ट्रैक्टर नहीं है, फ्री जिसको मैं कर नहीं सकता। तू हराऊं कैसे? बच गया। You have ruined everything. मैंने कहां बर्बाद किया है यार, तू बर्बाद कर रहा है। अब यार इसको हराएं कैसे दोस्त, कैसे हराएं इसको? ये गायब हो जा रहा है जैसे मैं सुमाने जा रहा हूं। चल कोई बात नहीं, ये ले। बच गया। नहीं रुको, बच बच बच, बहुत बढ़िया, बहुत कम एचपी है। वुकोंग कम ऑन। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। चल यार जल्दी से, पक्का ये कुछ अब खतरनाक गेम खेलेगा। लास्ट एचपी हो ना। ये देखो गायब होकर निकलता है ना, ये इसकी दिक्कत है। गया 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 बुड्ढा। तुम छल से लड़ रहे हो, अगर हिम्मत है तो मुझे ऊपर पहाड़ी में मिलो। वाह, हमसे कह रहा है भाई तू चीटिंग कर रहा है, अपने को नहीं देख रहा, हाथों बन जा रहा है बार बार। चले गया गाइस, वो मरा नहीं, वो भाग गया। जो जादू उसने अभी किया वो बेशक दिखने में कठोर है पर करने में उतना ही आसान। वो भालू अब कमजोर पड़ चुका है, वहाँ इनकी सेवा से उसको कुछ खास फायदा नहीं हुआ, पर जो उसने यहाँ छोड़ा है वो शायद हमारे काम आ सकता है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वाओ गाइस, हमें कुछ तो नई पावर मिलने वाली है। ओए क्लाउड स्टेप। ओके अब हमारे पास इनविजिबल होने वाली पावर आ गई गाइस, इस वाले बुड्ढे को हरा के। फोकस एंड डिस्पर्स इल्यूजंस ट्रैवर्स। You still have a lot to learn, but give yourself the time you need. अभी भी गाइस हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, ऐसा बोल रहा है ये छोटा सा बंदर। पहले मैं देख लेता हूँ क्या पता आसपास कुछ मिल जाए। ये देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ नई पावर मिल जाए तो और मजा आ जाए। बहुत ही मुश्किलों से हराया यार मैंने उसको, बहुत ही मुश्किलों से। अब वैसे एक बात अच्छी है कि ना गाइस, जब भी हम कोई बॉस को हरा रहे तो हमको उसकी पावर मिल जा रही है। जैसे अभी मेरे पास एक न्यू पावर आई कि इनविजिबल होने की, अभी हम उसको यूज़ करेंगे। पहले अभी ऊपर चलता है। अरे उन्हें ऊपर फंस गए क्या, कहीं और कैसे जाना पड़ेगा। भाई बहुत ही खतरनाक विलन आने लगे हैं यार अब। वैसे इससे ज़्यादा खतरनाक तो मुझे वो एक्वामैन लगा। ऊपर के साइड चलते हैं, चलो देखते हैं क्या है इस आगे की स्टोरी में। गो इन, ये कहाँ गए हम, ये कौन सी जगह है भाई, बहुत कंजेस्टेड जगह है। ये लो गाइस नया चेक पॉइंट, बहुत बढ़िया। सेव कर लेते हैं फटाफट से, इसे पहले कि हम दोबारा से स्टार्ट करना पड़े। अगर वो जला देते हैं झटपट। ये लो, चलो गाइस अभी हमने अपनी सारी पावर्स ऑन कर दिए और ये भाई साहब आ गए। ले ओए, मरा तो नहीं लेकिन गिर गया, खत्म। अब तो इनके एनिमी भी छोटे छोटे, इतने एनिमी जो पहले से इजी आते थे। लो इसके तीर से बचना तो मुझे आता है। गोल गोल घुमाओ बस अपने डंडे को। ओए ओए ओए, जला दिया इसने, हम इसको हल्के में ले रहे थे, इसने जला दिया भाई हमको। मेरे पास है भी नहीं अब कूलिंग पाउडर, अब कैसे बुझाऊं। चलो बुझिए खुद ही भाई, हम तो हल्के में लेते थे इनको। अपने दोस्त को ही मार रहा है वो। रुको नीचे मत गिरना भाई, पहले इसको मारते हैं। ये कौन है भाई, दो दो भाई, तीन तीन। अच्छा ये लो गाइस, ये है हमारी नई वाली पावर। हम अपनी बॉडी से बाहर निकल के इनको मार सकते हैं इनविजिबल होके। ओए
तो ये वाली पावर हमको सिखा रहा था, ये अभी कैसे यूज करना है मैं तो भूल ही गया था। बाप रे इतने सारे थे ना ये लोग, यहाँ पर पूरी एचपी खा दी इन लोगों ने। वैसे होने को तो वही की ओए ये कौन है, ओए ये गेंडा कहाँ से आ गया, इसको तो हराया था हमने। गायब होने का वक्त आ गया है, ये देखो गाइस अब ये लोग मुझे देख नहीं सकते। पहले हम एक काम करते हैं, मारेंगे इसको, ये जो मेरा भूकंप आ गया। ये गेंडे को याद है गाइस हमारा सबसे पहला बॉस यही था। पता नहीं इतने सारे कौन से विलन्स आ गए भाई 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 भाई। रुको लगता है ना गाइस अपना रूट लेना ही पड़ेगा। आ जाओ अबे यार, बचो 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 आराम से, पहले गेंडे को मारते हैं। ये गेंडे ने बहुत दिमाग खराब करा, इसको उठने ही नहीं दूंगा मैं। गया गेंडा तो गया। ये कौन है, ये निंजा, ये हम हमारी तरह वुकोंग की तरह खेल रहा भाई ये वाला बंदा। और ना वो मर रहा है, ये देखो ये बहुत पावरफुल है, पता नहीं कौन है। जा नीचे जा झाड़ियों में जा। गया यार कौन कौन आ रहे पता नहीं। चलो इसकी आत्मा को भी इकट्ठा कर लेता हूँ। ये लो इसकी आत्मा भी ले ली मैंने। वुल्फ असैसिन था ये, ओ भाई साहब तभी इतना खतरनाक खेल रहा था ये, हमारी वुकोंग की तरह गोल गोल घूम के मार रहा था यार। इसके अंदर क्या मिला, कुछ भी नहीं। बाप रे सारे बॉस एक साथ ही आ गए थे यार, छोटे मोटे जिनका हम कुछ भी नहीं समझते सब इकट्ठे आ गए थे। चलो ऊपर चलते हैं। ले अभी तक जिंदा आ गया तू, तुझे मैं बंद कर देता हूँ। चलो उसको ऊपर चल के गाइस फटाफट से मारता हूँ मैं, बहुत श्याणा बन रहा है ऊपर से। अब कौन आ गया, अबे वो कौन अपने पीछे देख भाई बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे। वाओ वो कौन पीछे देख ही नहीं रहा गाइस, वो इसी तरफ देख रहा है बस। पहले इसको मारो यार, हीलिंग कर लेता हूँ पहले। ये लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं, आग के तीर मारने वाले भाई यार इतने सारे बंदे थे। वैसे गाइस जो इनविजिबल वाली पावर है ये मेरे को समझ नहीं आई कि कैसे यूज़ करना है इसको, मतलब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लेकिन जैसे मारने के लिए जा रहा हूँ वो पावर ख़त्म हो जा रही है। पहले इसको मारते हैं जो दूर से मार रहे हैं ना ये लोग। गया नीचे, कौन है निंजा तो नहीं आ गया ना भाई। सुपर अटैक कर रहे हैं ये लोग भी, बच बच। अबे तुम्हारे कितने बड़े बड़े मालिकों को हरा दिया हमने समझा, लेकिन कुछ भी कहो यार बहुत टक्कर दे रहे हैं ये लोग। अब आ जा ये पड़ा ना, नाइस बड़ी मुश्किल से मरे, फिर से आ गए ये लोग। चलो पहले इसको देख लेता हूँ, वो तो तलवार वाली लग रहे है मुझे। अब ये क्या मिला, अच्छा इससे हमारा स्टैमिना बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ओए स्टैमिना बढ़ा के क्या करना है यार। ओहो अब तो हम दूर से भी मार सकते अपनी पावर को गाइस, ये देखो कुछ इस तरह से। हाँ एक दूसरे को कहाँ मार रहे हो, ये चीज सही है भाई, इनका डैमेज इसके दोस्त को भी चले जा रहा है। अब फिर से दो रास्ते आ गए, पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एजेट जड़ी बूटी, इससे एजेट क्या एज कम धीरे धीरे बढ़ेगी क्या वो कहूँगी। चलो दोस्तों फटाफट अभी ऊपर की साइड चलते हैं, उजाला हो गया धूप आ गई है, अभी तो हम अंधेरे में खेल रहे थे पूरा। अच्छा इतना आसान है क्या मानना, उसको तो खुद हालत खराब है, अपने सिपाहियों से कह रहा है कि भाई जो भी उसको मारेगा उसको मैं इनाम दूंगा। वाह आ जा तेरे को मैं देता हूँ इनाम।
मिल गया इनाम तेरे को एक घुसे मरने के बाद। तू क्या शाना बन रहा है ऊपर से? चल शांत बैठ जा यहाँ पे। मेरे सारी स्पेल्स खत्म हो गई और तो कुछ नहीं। बॉसेस से जब हम लड़ते हैं ना तो वो स्पेल बहुत काम आती है, खासकर जब वो लोग जला दे रहे हैं ना, बहुत डैमेज पड़ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, चेक पॉइंट? चलो गाइस चेक पॉइंट सेव कर लेते हैं, लगता है अब कोई नया बॉस आने वाला है। सामना करते हैं कौन है हमारा नया बॉस। अब तो हमारे पास तीन तीन पावर आ गई है ब्रो। ओए पूरा मंदिर जला रखा है अभी भी। गाइस कहीं उसने मुझसे एक बार कहा था, मन और नजर से होते हैं मूर्ख लोग, दूर और अदृश्य होकर चलते हैं होशियार लोग। पर वो भी हो गया एक दिन पागल जब उसने देखा उसी का अंजाम। ये वापस आ गया क्या गेंडा? ये क्या आफत है? गायब होने वाला गेंडा। वाओ क्या उस इंसान ने हमारी कम हालत खराब की थी, अब जो ये आ गया। क्या हम इसको पॉज कर सकते हैं? चलो पॉज कर सकते हैं। अबे इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ओए सुपर टैंक, अबे मोटा गिर गया। शायद मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। ये बहुत खतरनाक चीज है। लो गाइस हो गया अभी हम गायब, अब क्या करना है? सुपर टैंक। ओ भाई किसको मार रहा है वो, हम तेरे पीछे है। ये पड़ी ना बात, ये ले एक और था, एक और भाग गया। देखो भाग गया, आ जा भालू। बच गए। कुछ हुआ क्यों नहीं इसको भाई? ये बहुत पावरफुल है, हम इसको हल्के में ले रहे थे। चल मार खा मार खा मार खा गेंडे, खड़े मत हो दोबारा गिर जा। बच गया, भाग रहा है भाग रहा है। वो गुस्से में आ गया। बच गया, इनविजिबल, ये पावर सही है ब्रो। आ जा पीछे, ये भी चालाक बन गया भाई। रुको इसने हमारे वुकोंग को तो मार ही दिया है। ओए भाई ये वुल्फ बहुत तेज है गाइस। ओए वुल्फ को खा दिया, वुल्फ को खा दिया। लो खत्म, वुल्फ की पावर खत्म, वुकोंग की पावर खत्म। One hour later. पता है दोस्तों ये वाले बॉस को हराना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि ये इतना खतरनाक है ना, ये इनविजिबल हो जा रहा है। इनविजिबल होने के बाद अपनी फायर का इस्तेमाल करके हमारे वुकोंग को जला दे रहा है ये। हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं इसकी आग से बचने का। स्पेल आती है बट वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। आ जा भालू, गायब होकर मानना चाहता है ना, मार ले। कितना बड़ा मुंह है यार इसका। भाग ले, इस बार अपना हेडशॉट नहीं छूटूंगा मैं। आ जा। ओए इसको कुछ हुआ ही नहीं। बस यही है ना तेरा, अपना वजन डाल दे हमारे ऊपर, ये खा तू। पीछे भाई पीछे, इसे रिफ्लेक्सेस देखो, नाम का मोटा है ये।
ये पड़ाला शॉट। स्टैमिना खत्म हो गया यार, फ्रीज करना पड़ेगा इसको। बच गए। मार वुकोंग सुपर शॉट, हिट शॉट, हैवी शॉट, फ्रीज कर, भाग जाएगा ये। इसको इनविजिबल नहीं होने देना है बस, ये इसका तरीका है हराने का। ये देखो कितना तेज है भाई ये। बच गया बच गया बच गया, गायब हो गया यार ये। नहीं कौन समझ के मेरे भाई, गिर गया गिर गया गिर गया गिंडा। अभी अपनी आग जला देगा देखा। गिर गया गिर गया गिर गया, आधी एचपी हो गई ना गाइस, अब ये जला देगा हमको। ये देखो ये इसकी दिक्कत है ना, वापस ले आते हैं गाइस हम, वुल्फ पे ही हम इसको हरा सकते हैं। इनविजिबल हो गया देखो ये, बच गए। आजा आजा, कब तक छिपके खेलेगा? फायरबॉल फायरबॉल बन के देखो गाइस मार रहा है छिपके। अबे यार मार दिया, हिम्मत नहीं क्या सामने करने की? हाँ भाई भाई इसने हरा दिया हमारे उसको। मुकाम भाई बच, भाई बच गाइस, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा। कोई भी तरीका होगा इसको हराने का। फ्रीज मेरे भाई, फ्रीज कर इसको, फ्रीज कर, बहुत बढ़िया, हम ऐसे ही इसको हरा सकते हैं। प्लीज मरना नहीं है सांप, बाहर आ जा। बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, आ जा आ जा आ जा। अब तो वहां पर मेडिकेट भी खत्म हो गई दोस्तों, आग जला दी इसने, इनविजिबल हो गया। प्लीज यार हम चल नहीं सकते, बच गए। अबे यार मार दिया, इनविजिबल होके मार रहा है ना ये। बच गए बच गए, आ जा बाहर। कोई तो तरीका होगा इसको हराने का, कोई तो। गाइस यार मेरी स्पेल्स भी बाहर नहीं आ रही है इसको फ्रीज करने की। हरा दे प्लीज, हरा दे बुकॉल, कम ऑन तू हरा सकता है। मार दे इसको गाइस, 1 एचपी गेम प्ले, वो भी 1 एचपी, मैं भी 1 एचपी। हमारे पास भी पावर है ब्रो, भाई साहब कितना ताकतवर था ये। तुच्छ बंदर, आज तो मैं तेरी जान को बख्श देता हूं, किस्मत तुम्हारा आज साथ नहीं देगी, तुम्हारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। मुझे बस ये आत्मा ले जानी है और सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। क्या कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ये स्पिरिट ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मान ऋषि, मुझे क्षमा कीजिए, आप तो महान सन वुकोंग के अवतार हैं, मुझ पर दया दिखाइए। मैं तो बस छोटा सा प्यादा हूँ सेलेस्टियल कोर्ट का, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि मैं सेलेस्टियल पैलेस के शक्तिशाली विध्वंसियों को चुनौती देने की भी हिम्मत करूँ। हाँ ये सही कह रहा है, चाहे ये कितना ही दमदार क्यों ना हो लेकिन इसके इतनी हिम्मत नहीं कि ये महान ऋषि की आत्मा को चोट भी पहुँचाए।
जरूर ये सब कराने वाला कोई और ही है। बिल्कुल सही कहा, और ये चीज भी बहुत खतरनाक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने तो बस इसे मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया था ताकि योगिन्स को धोखा देकर मैं उनसे चढ़ावा ले सकूं। अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वापस ग्योंजी चले जाऊंगा और खुद को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आपको मैं फिर कभी नहीं दिखूंगा। वाह, इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तुम आगे बढ़ो नौजवान बंदर, और महान ऋषि शन वुकोंग के पहले अंश को हासिल करो। नाइस। गाइस, ये वही चिड़िया है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी फाइट में। पहला वुकोंग का पार्ट हमको मिल गया है। ओ, क्या मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। मेरे ख्याल से हमने गेम का एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया होगा। देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला गाइस। ओह, लगता है गाइस को एनिमेशन स्टोरी अब शायद ये बताएंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा था स्टोरी में। आओ समझते हैं। एक कोई मॉन्क है छोटा सा जो शायद मेंढक का पीछा कर रहा है जंगल में, और शायद ये अब भटक जाएगा जंगल में। ये तो वही काला बियर है जिसको हमने फाइट में हरा गया है भाई। ये तो है? ये तो इसको मारने की जगह इसको पैसे दे रहा है। वाह, इसका मतलब ये बियर बुरा नहीं था, इसने उस छोटे से मॉन्क को मारा नहीं। जाओ अब अपने शहर लौट जाओ, ऐसा कहा शायद भालू ने। ओ, अभी अपने शहर में गए, सारे पैसे लेके वापस आ गया, बट बहुत डरा हुआ है ये। क्योंकि बुद्ध लोगों में क्या होता है, मॉन्क लोगों में, कि किसी भी चीज का लालच ना हो, लोभ ना हो, बट इसने तो पैसों का लालच कर दिया ना, इसको लेके आ गया इधर, और इसके ऊपर अब शायद वो भालू हावी हो गया है। कुछ तो ऐसी स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, शायद ये अभी बड़ा हो रहा है। हाँ, बड़ा हो गया अभी मॉन्क, जो उस टाइम पे छोटा था। ओ, बुढ़ा हो गया ये तो। अभी भी उसके पास वो ब्लैक बियर है। वो ये सारी चादरें उड़ा दी इसने तो। म्यूजिक बहुत अच्छा बज रहा है यार, लेकिन चाइनीज भाषा का गाना है। तो दोस्तों, ये जो मॉन्क है ना, इसको बहुत ज्यादा लालच हो गया है पैसों का, और इसकी लालसा कभी भरी नहीं। देखो दोस्तों, किसी ने गोल्डन सोने का चादर किसी ने गिफ्ट कर दिया है। बहुत खुश हो गया ये तो। ये कोई जादुई कपड़ा था शायद। ओ, ये क्या हो रहा है? ओ, तो ऐसे ये सारे मॉन्क्स राक्षस बने और पूरे मंदिर में आग लग गई है दोस्तों। देखो तो ये थी इसकी स्टोरी। यहाँ पे दोस्तों हमने फाइट भी करी थी अगर आप लोगों को याद हो। ये शायद सन वुकोंग बैठा है, देखो गाइस यहाँ पे डंडा लेके शहर से दूर। अच्छा, तो इसकी ये स्टोरी है कि एक मॉन्क था इस जंगल में रहने वाला जिसको हो गया लालच, और लालच की वजह से पूरा जंगल तहस नहस हो गया, उसके पूरा मंदिर जल गया। Master, it still puzzles me. A monk's lust for gold should be quelled. Why does Elder Jinche still cling to that one Kasaya? Oh. Bereft of that Kasaya, how shall they show the world their ties are cut and their lust is quelled? तो इस भालू की गाइस मास्टर ये लड़की है।
अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये स्वर्ग का आखिर वो है कौन जो ये सब कुछ भेज रहा है हमको मारने के लिए। हम तो सिरलैंड को सोच रहे थे, लेकिन सिरलैंड विलन नहीं है। असली इस गेम की विलन है वो लड़की जो शायद फाइनल में आएगी। और अभी की स्टोरी में दोस्तों उन्होंने ये बताया कि एल्डर जिनशी, जिसका हमने सामना किया था वो बड़े से नीले वाले मॉन्स्टर का, वो एक टाइम में यहाँ का मॉन्क था, उसको लालच हुआ, उसको किसी ने एक ऐसा कपड़ा, ऐसी चादर दी गोल्डन की, जिसको पहनते ही सब कुछ तहस नहस हो गया, सब जगह आग जल गई, सारे ऋषि लोग जल गए और राक्षस में बदल गए, ऐसा फिलहाल उन्होंने स्टोरी में बता रखा है। और इसके अंत के साथ हमने हासिल कर लिया है सन वुकोंग के अंश का पहला हिस्सा। हमको ऐसे करके चार और हिस्से इकट्ठा करने हैं, तब सन वुकोंग को हम दोबारा से जिंदा कर पाएंगे। फिलहाल तो हमने बस एक चैप्टर कंप्लीट कराया गाइज, और हर चैप्टर में इन्होंने अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग बॉसेस भेजे हैं। अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि वो जो लड़की है उसने सिर्फ मछलियाँ, हमको लालच के लिए मछलियाँ डाल रहे हैं, सोचो बाद में विलन्स कितने खतरनाक आएंगे। वो तो खैर गाइज वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी गाइज। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय।